दोस्तों, आजकल इस दुनिया में बच्चों पे पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे पढ़ाई नहीं हो पाती। वो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ना पड़ता है, या फिर कितनों को कहूँ तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और वो सक्सेस पा ही नहीं पाते। तो ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो कहते हैं, सर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, या फिर मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, या फिर कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। उन बच्चों के लिए मैंने ये आज की स्टोरी ढूंढी और आप सभी को मोटिवेट करने वाला हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो पढ़ाई में कमज़ोर था, पर वो अक्सर टाइम पास करने और अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खेलता रहता था। ये उसकी आदत लग चुकी थी और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वे बहुत गरीब परिवार से था और उसके घर की हालत बद से भी बदतर थी, यानी अगर कोई मेहमान उसके घर आ जाए तो उसके बैठने तक की जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए आया, चलना यार कहीं चलते हैं। वे दोस्त पहली बार उसके घर आया था तो वे उसके घर के हालात को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ पर रहता है? वो बोला, हाँ मैं यहीं पर रहता हूँ। फिर दोस्त बोला, क्या ये तेरा घर है? वो बोला, हाँ ये मेरा ही घर है। दोस्त, मतलब तू इन हालातों में रहता है? तो वो बोला कि हाँ मैं ऐसे ही हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ देर तक तो उसका दोस्त चुपचाप बैठा रहा, फिर वे बोला, वाह दोस्त वाह, तेरे घर की हालात बद से भी बदतर है। तेरी माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात मेहनत करते थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और वे उन पैसों से घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है और अपने दोस्तों के साथ दिन भर टाइम पास करता है। तुझे अपने करियर की कोई फिक्र नहीं है और तेरे घर की हालात बद से भी बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता, इसको धोखा दे रहा है तू, अपने आप को या अपने माँ बाप को? उसने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसका दोस्त बोला, चल मेरे साथ। वे बोला कि कहाँ चलना है? दोस्त बोला, तू चल मेरे साथ। फिर उसका दोस्त उसको वहाँ पर ले गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वो पूरी तरह से थक कर आराम करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी पूरी शरीर पसीने से लथपथ थी और उनके शरीर में दर्द भी हो रहा था। उनके पास में उन्हीं के साथ का एक और मजदूर बैठा हुआ था और वो उस मजदूर से कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार पड़ी है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, मैं उसे दवा करा सकूं। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके सिर्फ दो वक्त की रोटी ही जुटा पाता हूं और उससे सिर्फ घर खर्च ही चल पाता है और कहीं पर पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे के भी स्कूल की फीस भरनी है, यार इससे बेहतर तो मौत होती। मेरी ज़िंदगी का तो दुख का दूसरा नाम बन चुकी है, ज़िंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है, उसके पापा कह रहे थे कि देखना मेरा बेटा एक दिन इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वे लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज़ को देख रहे थे और पूरे गौर से भी सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा कि देख कैसे जीते हैं तेरे पापा, तेरे पापा तुझसे कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? एक बार अपने पापा की हालत देख, वे कैसे ज़िंदगी जीते हैं, और तू अपनी हालात देख, तू कैसे ज़िंदगी जी रहा है। वे दो कौड़ी का मोबाइल क्या तेरे पापा से बढ़कर है? वो दो कौड़ी की लड़कियाँ क्या तेरे पापा से बढ़कर हैं जो तेरी ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए आई हैं? क्या ये तेरे पापा से बढ़कर हैं?
वाह दोस्त वाह, तो अपने हालातों को बदलकर अपने पिता की उम्मीद को पूरा कर। ये सब देखकर और दोस्तों की बातें सुनकर उसके आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने उसकी व्यक्त यह प्रण लिया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं ना, आने वाले 5 सालों में मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री खड़ा कर कर दिखाऊंगा। और उसके अंदर जिद थी कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, मुझे नौकर नहीं बनना है। फिर वही अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन दिन भर पढ़ाई करने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, एक फैक्ट्री खड़ी करनी है और उसके लिए मुझे कुछ करना होगा मैं करूँगा, मुझे पढ़ना होगा मैं पढ़ूँगा, लेकिन मुझे कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता पढ़ने से। और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन शेष रह गए थे, उन्हीं दिनों में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिया। सब लोग हैरान थे कि ये कैसे हो गया, सभी की आँखें फटी की फटी रह गई, सभी लोग दंग रह गए कि इतने कम समय में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया तुमने। तब उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपने को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना ही वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूं। मैं इसी सपने को साकार करने के लिए इतनी पढ़ाई की और पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाया। दोस्तों, ये हो सकता है कि आप इस कहानी के शुरुआती हिस्से को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे को उसके पापा बहुत ही संघर्ष से पढ़ाते हैं। हो सकता है कि आपके घर के हालात भी कुछ इसी तरह हो। इस कहानी से उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने हालातों को बदल कर दिखाया। वो लड़का तो अपना और अपने पापा के सपने को पूरा करके एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपने को पूरा कर पाओ, और इसकी क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ। गारंटी है मेरे दोस्त, जब आपके अंदर से एक चीख निकल कर आएगी कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ, इसलिए भी कि मुझे दुनिया को दिखाना है। और जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया ना कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदलना है और अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना है, जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई, उस दिन से ये चीज़ तय है कि आप अपने हालातों को बदल कर अपने माँ बाप के सारे सपने को सच कर दोगे। बस ज़रूरत है तो एक बार अंदर से आवाज़ आने की। हम कहते हैं ना कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, मुझे साइंस मुश्किल लगता है, मुझे ये मुश्किल लगता है, मुझे वो मुश्किल लगता है, ये सब छोड़ो, कुछ मुश्किल नहीं है, ज़रा जाके पूछो उस टॉपर से कि तुम्हें क्या मुश्किल लगता है। तो हमेशा एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी कि पढ़ने वालों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं होती और कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होती, मुश्किल तो बहाने बनाने वालों को होते हैं। ज़िंदगी का एक सीधा सा वसूल है मेरे दोस्त कि करने वाला कुछ भी कर जाए और जो ना करने वाला होगा वो छोटी सी मुसीबत आने पर भी रुक जाएगा। बहाने बनाने में कोई उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता और उसको दिन भर आलस आते रहेंगे और उसके अंदर की वो चीख कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। बस ऐसी हमारी मोटिवेशनल स्टोरी जो आप सभी को मोटिवेट करना मेरा काम है, पढ़ाई के लिए या फिर सक्सेस के लिए। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट जरूर कर दे।